आज की वीडियो में मैं अपनी सिलेरियो में वही हेला के मिडनाइट ब्लैक वाले हॉर्न इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो ये वीडियो में मैं एकदम जैसे कंपनी फिटेड होता है वैसे ही सब करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ लो टोन वाला हॉर्न जो कंपनी की तरफ से आता है वो दिखा दे रहा हूँ। वो भी हेला ही का था, वो नॉर्मल वाला हॉर्न था, उसकी प्लेसमेंट यहाँ पर होती है। तो जहाँ पर कंपनी ने लो टोन का हॉर्न दिया है मैं वहीं पर लो टोन का लगाऊँगा। देखिए उसकी ब्रैकेट वहाँ पर लगी है तो वहीं पे मैं लो टोन का लगाऊंगा ताकि आवाज़ एकदम अच्छी आए और जो इसका साउंड आउटपुट आया है लास्ट में वो एकदम अच्छा आया है, क्रेटा से भी अच्छा आया है। तो इसमें मैंने इसीलिए ऐसे इंस्टॉलेशन की है तो अच्छे आवाज़ आ गई एकदम। और एक मैंने हाई टोन के लिए ऊपर लगाया है पत्ती, तो ये मैं बाद में चेंज करूँगा क्योंकि मेरे को लगा कि एग्जॉस्ट के मैनिफोल्ड के पास ये आ रहा है। तो इसीलिए मैं ये वाली जो प्लेसमेंट है इसको चेंज कर दूँगा बाद में, तो वो आपको दिख जाएगा आगे क्लिप में। इसमें मेरे को लग रहा था कि रिले लगानी पड़ेगी बट मैंने अपनी कार को पहले चेक किया कि इसमें रिले है क्या, तो मैं जैसे ही हॉर्न निकाला फिर उसके बाद इसको प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे रिले की क्लिक की साउंड आ रही है, मतलब इसके अंदर रिले इंस्टॉल है। तो मेरे को रिले लगाने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग सुन सकते हैं कि इसमें आवाज़ आ रही है रिले वाली, तो मतलब काफ़ी सिंपल होने वाला ये। तो ये है मेरे कार के पुराने हॉर्न्स जो ये ख़राब हो चुके हैं, तो बस अब मेरे को ये वाले हॉर्न्स को इनकी प्लेसमेंट पे लगाना है। तो एक बार चेक करते हैं इसमें लो टोन और हाई टोन वाला कौन सा है। इसमें कुछ ब्रांडिंग तो होना चाहिए, ये एच आई हाई टोन का, तो ये ऊपर लगेगा। मैं इसको माउंट करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। हॉर्न माउंट कर दिया है और इसका फेस हमेशा डाउन के साइड रहेगा ताकि वाटर डैमेज से ख़राब ना हो। तो और एक चीज़ और मैं बताना भूल गया था, इसमें मैंने स्पेशल वायरिंग बनाई है। तो इसमें से अब मेरे को पहले लगा था कि रिले लगेगी तो मैंने ये वायरिंग भी बनाई थी बट ये अब कोई काम की नहीं है, तो अब बस इसी को यूज़ करना है मेरे को। तो ये जो है काफ़ी लॉन्ग सी मैंने वायरिंग बनाई है जो दो हॉर्न को सिंगल वायर में कन्वर्ट करे। तो इसमें बस आपको कुछ करना है नहीं है, सिर्फ क्लिप्स लगा देना है और एक ही नीचे वाले हॉर्न में चला जाएगा, एक ही ऊपर और ये सीधा इस वाले थिम्बल में ज्वाइन हो जाएगा। तो ये रिले मैं निकाल दे रहा हूँ, ये मैंने अपनी एंटॉक की रिले निकाल ली थी, मैं सोचा था उसमें दूसरी डाल दूँगा, इसमें ये वाली लगा दे रहा हूँ। तो अब मेरे को रिले इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है तो सीधा मैं इसके डायरेक्ट कनेक्शन कर सकता हूँ। तो अब मैं वहीं वाली जगह पर लो टोन का हॉर्न प्लेस करता हूँ, हाई टोन का तो ऊपर हो गया, फिर उसके बाद देखते हैं आवाज़ कैसी बन रही है। तो यहाँ पे मैंने अपना हॉर्न्स को इंस्टॉल कर लिया है लो टोन और हाई टोन वाला, तो एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो मैंने ये जो वायर आती है स्टॉक वाली उसी को मैंने कट करके जॉइन कर दिया, तो वारंटी में नहीं इसलिए मैं वायर कट कर सकता हूँ। तो अब मैंने ये हॉर्न की जो वायरिंग है रिप्लेसमेंट है उसको मैंने बम्पर के जो बोल्ट्स होते हैं उस पर कर दिया है ताकि ये इनटेक एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के पास ना जाए, तो वहाँ से हीट आती है तो हॉर्न के डैमेज होने के चांसेस हो लग रहे थे मेरे को, तो इसलिए मैंने हटा दिया वहाँ से। तो आप लोग भी यहाँ लगा सकते हैं और ये जस्ट ग्रिल के आगे है तो इससे और अच्छी आवाज़ भी बन जाएगी। और हाई टोन को हमेशा ऊपर लगाइएगा और लो टोन हमेशा नीचे, और लो टोन आप प्रेफर करिएगा जिसमें सिंगल हॉर्न आता है वो आपकी नीचे ही लगेगा, मतलब जहाँ पे कंपनी वाली है तो आपकी अच्छी आवाज़ आएगी क्योंकि वो कंपनी ने डिसाइड करी है लोकेशन लो टोन जहाँ पे फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए ताकि अच्छी आवाज़ बैठे। अब मैंने जैसे इंस्टॉल किया है कि लो टोन को नीचे हाई टोन को ऊपर, ऐसे ही मैं सोच रहा हूँ एंटॉर्क में भी अपने करूँ ताकि आवाज़ और अच्छी आए। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि मिडनाइट ब्लैक मेरे इसमें सिलेरियो में भी लगे और एंटॉर्क में भी लगे। तो अब उसके बाद आपको अच्छे से वायर को रूट कर देना है ताकि इंजन के साइड से ना आए, ताकि हीट से वायर मतलब पिघल ना जाए या कहीं पे शॉर्ट सर्किट का, तो ऐसे शॉर्ट सर्किट होगा तो तुरंत फ्यूज़ उड़ जाएगा बट उससे दिक्कत हो जाएगी आप लोग को, हॉर्न मतलब वर्क नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे चूज़ किया है प्लेसमेंट। तो अब लो टोन और हाई टोन अच्छे से लग गया है। और एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, सिलेरियो में हॉर्न रिलेटेड बहुत दिक्कत आती है, इसीलिए आप लोग ये सब हॉर्न इंस्टॉल कर सकते हैं सिलेरियो में। तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लिप में दिखाता हूँ कि हॉर्न की साउंड कैसी आ रही है, और बहुत अमेजिंग आ रही है, तो वो आप लोग नेक्स्ट क्लिप में देखिए। तो अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ हॉर्न की साउंड अंदर से गाड़ी के कैसे आ रही है। तो वही हेला मिडनाइट ब्लैक है, दोनों पेयर लगे, दोनों हॉर्न्स लगे हैं लो टोन और हाई टोन दोनों। तो अब एक बार बजाता हूँ हॉर्न, तो अंदर से कुछ ऐसी साउंड आ रही है और रिले क्लिक करती है अंदर,
तो ये मैंने अभी चीज़ नोटिस करी है, तो इसमें रिले लगी है तो आप लोग को लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर बहुत ज़्यादा हैवी हॉर्न्स लगा रहे हैं, और ज़्यादा हैवी मतलब मेगासोनिक वगैरह लगा रहे हैं, तो आप लोग को लगाना होगा, क्योंकि जो वायरिंग है वो पतली है, तो भले ही रिले लगी हो बट वायरिंग थोड़ी सी डैमेज होने के चांसेस हैं। तो इसमें भी मैं सोच रहा हूँ कि रिले लगा दूँ ताकि कोई दिक्कत आए ना। वैसे लगी हुई है और हॉर्न भी उतने मतलब गाड़ी के हिसाब से तो कम पावर है, तो देखते हैं फ्यूचर में अगर लगाऊंगा तो अपडेट दे दूंगा, एक बार फिर दिखा देता हूँ। एकदम मस्त साउंड आती है। तो अब इसको मैं कुछ दिन में सेंट्रल लॉकिंग से कनेक्ट कर दूंगा, तो लॉक अनलॉक करने पे क्रेटा की तरफ बजेंगे। तो अब एक बार बाहर से सुना देता हूँ हॉर्न कैसे हैं।